हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की सीरीज़ लेके आते हैं, और पिछले वीडियोस में हमने वर्णमाला का टॉपिक कवर किया है और संज्ञा का टॉपिक कवर किया है। तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हों, प्लीज़ देख लीजिए और अपने प्रीवियस टॉपिक्स को कम्प्लीट करिए। आज की वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, जिसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व करने से पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी भी क्लास रिलेटेड कोई भी डिटेल्स हो तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा कोचिंग का लोगो है, सिलेक्शन मेंटर के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सर्वनाम है। हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम। एक सर्वनाम का फर्स्ट पार्ट आज हम लोग देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो सभी सॉल्व करेंगे और उनकी डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया और डी विशेषण। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? 5 सेकेंड आपको दे रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं राम घर गया, उसने, अब राम ने खाना खाया। तो अब यहाँ पे राम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोई भी सर्वनाम शब्द प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमेशा सर्वनाम कहलाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है यहाँ कि सर्वनाम के उदाहरण कौन से हैं। सर्वनाम के उदाहरण क्या हैं, जिसमें ऑप्शन ए में दिया है राम और गाय, बी मोहन और सीता, सी क्योंकि और परंतु, डी आप और वह। इन चारों ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि सर्वनाम का उदाहरण कौन सा होगा। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है जिसमें सर्वनाम के उदाहरण की बात की जा रही हो। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे आप लोग संज्ञा भी पढ़ के आए हैं, तो राम और गाय पर्टिकुलर किसी का नाम दिया गया है इसलिए ये संज्ञा होगी। मोहन और सीता इसमें भी संज्ञा होगी, लेकिन जो ऑप्शन डी है आपका उसमें आप और वह की बात की गई है, जो एक प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें क्या है, आप और वह ये दोनों ही सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। और कौन से उदाहरण हैं ये आगे चर्चा करेंगे। इसमें ये देख लीजिए कि सर आप और वा ये दो शब्द दिए गए हैं, ये आपके दोनों सर्वनाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 3, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, सी 5 और डी 6। जल्दी से बताइए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। उसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि संज्ञा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो संज्ञा के भी कितने भेद होते हैं ये भी बताना है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये भी बताइए। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और यहाँ पर हमसे सर्वनाम पूछा है तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखिए कि सर्वनाम के भेद में अलग अलग कैसे देख पाएंगे। तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, यहाँ पर देख लीजिए पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और सिक्स्थ होता है निजवाचक सर्वनाम, सिक्स्थ होता है निजवाचक सर्वनाम, सिक्स्थ होता है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ सभी भेद भी पढ़ लिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं टोटल, जिसमें पहला हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा सर्वनाम के इसमें भेद पूछे थे जो 6 होते हैं और कौन कौन से 6 होते हैं, ये हमने सभी डिस्कस कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे है कि यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं आपको, जिसमें स्वयं और खुद, स्वयं और खुद ये किस प्रकार के सर्वनाम हैं, स्वयं और खुद किस प्रकार के सर्वनाम हैं। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी पुरुषवाचक सर्वनाम और डी निश्चयवाचक सर्वनाम। जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और आप सभी MCQs की क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व करने के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए डेली ला पाएं। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा सही होगा। इसमें स्वयं और खुद मतलब अपनी बात की गई है, और अपनी जब भी बात की जाती है तो हमेशा निज का अर्थ ही होता है क्या, अपना, निज का अर्थ ही अपना या अपने से होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट कि स्वयं और खुद जो हैं वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, निम्नलिखित में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। पीछे हम लोगों ने सर्वनाम के भेद देखे, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, टोटल 6 भेद पड़े थे। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो पुरुषवाचक है उसमें उत्तम पुरुषवाचक कौन सा है। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो कभी भी आपसे अगर ये पूछा जाए कि पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, तो फिर 3 कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि उत्तम पुरुष में कौन आता है। तो जब भी हम अपनी बात कर रहे हों, मतलब हम अपनी बात की, हमारी बात की जा रही हो, मैं या फिर हम की बात की जा रही हो, तो फिर हमेशा कौन सा होता है, उत्तम पुरुष होता है। जब भी हम किसी सेकेंड पर्सन मतलब दूसरे व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर मध्यम पुरुष, और जब किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हो जो हमारी आंखों से दूर हो, ऐसी जगह पर अन्य पुरुषवाचक होता है। आशा है आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो उत्तम पुरुषवाचक में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब भी हम अपनी बात करते हैं, मैं या हम, तो यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक होता है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, मैं जो है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि सर्वनाम में जो सर्व है, सर्वनाम में सर्व शब्द से मिलकर जो सर्वनाम बना है, यहाँ पर इस सर्व का क्या अर्थ होता है, सर्व का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए सर्वेश्वर, बी सबका, सी सर्वत्र और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो सर्वनाम शब्द होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जो होता है सर्व प्लस नाम। अब क्या इस सर्व का मतलब ही होता है क्या, सबका नाम, सबका नाम, वो मैं हो, आप हो, अन्य को, कोई भी हो, तो सर्वनाम का अर्थ ही क्या होता है, सबका नाम। तो इस सर्व शब्द का अर्थ का सीधा संपर्क किसे होता है, सर्व से, तो सर्व का अर्थ होगा सबका। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि इनमें से अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया कि जो पुरुषवाचक है वो तीन होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, ऑप्शन ए उसका, बी तुम्हारा, सी हमारा या डी हमें। जल्दी से बताइए कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। तो यहाँ पर जब भी हम किसी अन्य की बात कर रहे हो, मतलब यहाँ पर हमें, मतलब हमें नहीं होगा क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारा भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, क्योंकि हम किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ना मेरा है ना तुम्हारा, किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में तू शब्द दिया हुआ है, ये तू शब्द है कौन सा है, अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर कौन सा सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में जो तू शब्द है, तो हम तू की बात करें, तू शब्द हो या फिर तुम शब्द हो, ये दोनों ही शब्द एक ही सर्वनाम के हैं, वो कौन से हैं, पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष की बात हो रही है, पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो तू शब्द है वो मध्यम पुरुष से संबंध रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे एक शब्द दिया है आपको और पूछा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की कि जब भी हम मैं, मेरी, हमारी बात कर रहे हों तो मुझे किस प्रकार का उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि कोई आ रहा है, कोई एक वाक्य आपको दिया गया है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में जो कोई शब्द है इसमें आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है, इस वाक्य में कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम और डी पुरुषवाचक सर्वनाम। जल्दी से बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसमें कोई शब्द दिया है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर कोई है, एक है, दो है, दस है या है कौन, हमें इसकी बात पता नहीं है। तो यहाँ पर जब भी कोई हो, कुछ हो, तो हमेशा ये सभी कोई हो या फिर कुछ हो, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं, अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें क्लियर नहीं होता है कि ये कितने हैं या फिर कौन है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, कोई में आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह में कौन सा सर्वनाम है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जल्दी से बताइए कि जो वह शब्द है इस वाक्य में, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए कि हमसे वह, यह या वह पूछा जा रहा है, इसका मतलब हम किसी चीज़ पे ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं, मतलब उसको ध्यान दे रहे हैं कि हम किसी निश्चित चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि फिक्स है। इसका मतलब कि यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह पेंसिल मेरी है, यह किताब मेरी है, तो यह जो है वो बिल्कुल निश्चित है कि यह किताब मेरी है। तो यहाँ पर जो वह शब्द है, वह कुर्सी मेरी है, तो यहाँ पर यह और वह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि जो और सो, जो और सो दो शब्द दिए गए हैं आपको और ये बताना है कि जो और सो के प्रयोग से बनने वाले सर्वनाम को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी संबंधवाचक सर्वनाम। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन नंबर 12 में जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम हैं। तो जो और सो
जो और सो हमें दो शब्द दिए गए हैं, जैसा एक शब्द होता है जैसी और वैसी, जैसी और वैसी, ये सभी जो हैं एक दूसरे से संबंध रखने वाले हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। जो और सो में कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोला है कि शीघ्र जाओ और, यहाँ पर और होगा शीघ्र जाओ और डैश बुलाकर लाओ। सर्वनाम के शुद्ध रूप से रिक्त स्थान भरिए, मतलब यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उसको, उसका, उसे या सभी गलत, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा फॉर्म करेक्ट होगा। जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर लाओ, उसको, यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं होता या सर्वनाम से बिल्कुल भी शुद्ध शब्द नहीं माना जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं कि उसको बुलाओ, लेकिन उसको कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द नहीं माना जाता। तो सी, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर लाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि पुरुषवाचक सरनाम के कितने भेद होते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में चर्चा किया कि पुरुषवाचक सरनाम के तीन भेद होते हैं, पुरुषवाचक सरनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब आपको यहाँ बताना है कि कितने भेद होते हैं। तीन भेद, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। पुरुषवाचक सरनाम के तीन भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है कि सर्वनाम एक डैश है, सर्वनाम एक डैश है, क्या है? विकारी शब्द है, अविकारी है, या फिर दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि सर्वनाम जो है वो विकारी है। अब ये विकारी और अविकारी क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विकारी और अविकारी दो तरह के शब्द होते हैं। विकारी वो होते हैं जिनसे नाम और जिन पे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार होते हैं जो विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों ही ऐसे हैं जो विकारी होते हैं। विकारी अर्थात लिंग वचन कारक के अनुसार जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें अब जैसे राम जाता है तो सीता जाती है, लिंग वचन कारक, राम एक लड़का है, वे कई लड़के हैं, तो लिंग भी बदल जाएगा, वचन भी बदल जाएगा, अर्थात लिंग वचन कारक के अनुसार जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है वही होते हैं विकारी शब्द। अर्थात अविकारी वो होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, जिससे कि सर्वनाम के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सेकेंड पार्ट में लेके आए तो, और एमसीक्यूज की क्वेश्चंस की सीरीज डेली कंटिन्यू चलती रहे। ये हमारा कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, जिस पे कॉल या मैसेज करके आप हमारे क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।